आज जो गांव जीरापुर में रेड क्रॉस सोसाइटी व संस्थाएँ जिन्होंने इस शिविर में सहयोग किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। माननीय सरपंच गांव जीरापुर का बात करता हूँ, माननीय प्रतिनिधि भाल का बात करता हूँ, जो और साथ में दवाइयाँ जो गाँव वासियों को कराए उन्हें सराहने, और मैं सबसे अनुरोध करता हूँ जनप्रतिनिधियों से कि वो अपने अपने गाँव में इस शिविर का आयोजन करें। सोसाइटी जो सभी संस्थाएं इससे जुड़ी हुई है, आप उनसे बात करें, उनसे कहें और इस शिविर को उन्हें अपने ग्रामीण पहुंचाएं। के बीच में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी से पहुंचे हैं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बम सैनी है, मैं जिला प्रसन्न रही हूँ ईदाबाद रेड क्रॉस से, और मैं गांव वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ स्टाफ का, इन्होंने अंदर आयोजन किया, हमने स्वास्थ्य सीमा है और दवाइयाँ पहुँचे, इनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये हम रेड क्रॉस सोसाइटी में है कि हम दवाइयाँ भी और जाँच शिविर लेंगे, उसके अलावा कोई मतलब काफ़ी नशे पे जागरूक अभियान चल रहा है, और हम टिकट 14 जहाँ बिल्कुल फ्री मिलती है, खाना की लिखा है, तो आज हमारा समाज नशे की ओर बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है, तो मैं आगे ग्राम सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस आयोजन के लिए, यहाँ मैं भी आज जाँच करवाई बुलाकर, बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी आपका। मेरा नाम विमल खंडेल है, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी से और सामाजिक संगठनों ने जो आज यहाँ पे सजा शिविर लगाया है, मैं विशेष पहले तो सरपंच देखा देना चाहूँगा, उन्होंने आज पे एक कैंप लगवाया जिससे हमें कंसेप्ट बड़ा क्लियर कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी का तो सामाजिक संगठनों के सहयोग से अब गाँव की ओर स्वास्थ्य शिविर निरंतर लगाए जाएंगे, उसके लिए रेड क्रॉस उसने कमर कस ली, हर गाँव हर के ऊपर मतलब ये सजा शिविर का आयोजन किया जाएगा, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के ग्रामीण को लाभ पहुँच सके। मैं आज मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षण अधिकारी हमारे बीच में भाई पुरुषोत्तम जी आए हैं, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ, हमारे विशेष अतिथि के रूप के अंदर आज हमारे भाई वाइस चेयर पर्सन भी हम लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं, भाई इनका भी स्वागत करते हैं, और विशेष रूप से मरीदा यहाँ की हीरापुर की जनता का भी धन्यवाद देते हैं जो इस कैंप में आ रही है, लाभ उठा रही है, और आज जैसा कि निःशुल्क दवाइयाँ भी विशेष रूप से जगह पर दी जा रही है, यह कार्रवाई निरंतर चलता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसी लोगों को लाभ रहेगा। आज मैं विशेष रूप से धन्यवाद चाहूँगा जिला रेड क्रॉस सोसाइटी, अमृता हॉस्पिटल, राजस्थान एसोसिएशन, मारवाड़ी युवा मंच, जय सेवा फाउंडेशन, इन सभी संस्थाओं का धन्यवाद देना चाहेंगे जिनके माध्यम से आज ये कैंप का सफल आयोजन किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मारवाड़ी युवा मंच फरीदाबाद, आज हीरापुर गांव में ये हेल्थ चेकअप कैंप हुआ है, इसके लिए मैं राजस्थान एसोसिएशन, मारवाड़ी युवा मंच, अमृता हॉस्पिटल और रेड क्रॉस सोसाइटी ने मिलकर ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें हमने हेल्थ चेकअप गाँव वालों के लिए हेल्थ चेकअप प्लस मेडिसिन वितरण का एक कार्यक्रम रखा है, और बहुत उत्साह देखने में मिल रहा है गांव वालों में जो आगे अपना ये हेल्थ चेकअप करा रहे हैं और अपने लिए मेडिसिन लेकर जा रहे हैं, तो इस सब के लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं, सभी संस्थाएं बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? हमारे गांव में जो स्वास्थ्य जांच का जो शिविर लगाया गया है बहुत ही सराहनीय काम है, और मैं रेड क्रॉस सोसाइटी और अमृता हॉस्पिटल के स्टाफ जो कि यहाँ पे चेकअप के लिए आए हैं और जो संस्थाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि इन्होंने जो मुहिम जो चलाई है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मतलब आप चेकअप के साथ साथ लोगों को मुफ्त में दवाइयाँ दे रहे हो, ये बहुत ही अच्छी मुहिम है, और मैं आशा करूँगा और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी सरपंच गांव में चुने गए हैं वो अपने गांव में इस संस्था के थ्रू अपने गांव में चेकअप कैंप लगवाएं, ये बहुत ही अच्छा कार्य गांव की जनता के लिए रहेगा। धन्यवाद।